गणा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाणा पर। स्टूडेंट्स, हमारे क्लास 12th रीट जेट पटवार आरपीएससी एसआई एसएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस संबंधी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर 9928782905 पर अपना नाम व पता लिखकर तथा संबंधित ग्रुप का नाम लिखकर मैसेज करें, आपको संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जिसके नियमित लेक्चर आपको प्राप्त होते रहेंगे। स्टूडेंट्स, तो हमारे लेक्चर की अगली कड़ी के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। तो जनन तंत्र जो है पटवार परीक्षा के लिए, रीट लेवल 2 परीक्षा के लिए, इसके अलावा एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। तो नर में नर जनन तंत्र तथा मादा में मादा जनन तंत्र। जनन ग्रंथियों के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम जनन ग्रंथियों को डिस्कस नहीं करके जनन तंत्र को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, अब इसमें कौन कौन से अंग हैं जिनसे ये अंग तंत्र बना है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस पर अभी सर्किल लगाया गया है वो है वृषण। वन बाय वन सभी अंगों पर मैं एक एक करके सर्किल लगाता जाऊंगा और डिटेल आपके सामने आती जाएगी। वृषण, वृषण जो है वो नर जनन ग्रंथि होती है और नर के अंदर एक जोड़ी यानी दो वृषण वृषण कोश में पाए जाते हैं। वृषण कोश में ये वृषण उपस्थित होते हैं जिनका सबसे मुख्य कार्य जो है शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण करना। तो वृषण यह नर जनन ग्रंथि है, इसमें शुक्राणु निर्माण की क्रिया संपन्न होती है। शुक्राणु निर्माण को शुक्र जनन के नाम से हम जानते हैं, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु का निर्माण होता है, वो जब हम पढ़ेंगे विभाजन तब क्लियर कर दूंगा आपको पूरा सिस्टम क्या है। तो वृषण, एक जोड़ी वृषण ग्रंथि पाई जाती है नर में, नर जनन ग्रंथि कहलाती है ये, और यहाँ शुक्राणु का निर्माण होता है। अब वृषण के साथ जो लंबी नली, ये नली जो आप देख रहे हैं, ये नली जो वृषण से जा रही है आगे की ओर, तो इस नली की अब हम बात कर रहे हैं। तो ये जो नली है ये कहलाती है शुक्र वाहिनी, वृषण से निकलने वाली नली। तो शुक्र वाहिनी जो है वृषण से निकलती है और ये शुक्राणुओं को आगे लेकर जाती है। वृषण में क्या हुआ, शुक्राणु का निर्माण हुआ, अब उस शुक्राणु को आगे लेकर जाने का काम शुक्र वाहिनी करती है और शुक्र वाहिनी इसको आगे पहुंचा देती है शुक्राशय तक। तो वृषण में बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक लाती है। तो ये जो शुक्र वाहिनी है ये जो आप देख रहे हैं ये शुक्राशय है। तो शुक्र वाहिनी जो है शुक्राणुओं को वृषण से यहाँ से पिक करती है वृषण से और आगे शुक्राशय तक पहुँचा देती है। तो ये यहाँ तक, ये शुक्राशय तक शुक्र वाहिनी पहुँचा देती है शुक्राणुओं को। तो अब जिस पर सर्किल लगाया है ग्रीन सर्किल वो है शुक्राशय। शुक्राशय इसमें शुक्राणु एकत्रित रहते हैं, तो शुक्राणु जो है इसमें एकत्रित रहते हैं और जिस स्थान पर शुक्राशय मूत्र नलिका में खुलता है, तो ये देखें आप, ये शुक्राशय आगे जाकर यहाँ खुला है इस पोजीशन पर। तो ये मूत्र नलिका है, ये मूत्र नलिका है जिसके द्वारा मूत्र आगे जा रहा है, ये पूरी मूत्र नलिका है यहाँ से। तो शुक्राशय जिस स्थान पर मूत्र नलिका में खुला है वहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि, जो येलो कलर की आपको दिखाई दे रही है प्रोस्टेट ग्रंथि, तो वहाँ एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। तो अब मैं जिस पर सर्किल लगा रहा हूँ वो प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये येलो कलर में
जो आपको दिखाई दे रही है प्रोस्टेट ग्रंथि। इस ग्रंथि से निकला स्राव शुक्राणु को पोषण देता है तथा गति के लिए माध्यम उपलब्ध करवाता है। तो इससे चिकना स्राव निकलता है जो शुक्राणु को गतिशील बनाता है, गति के लिए माध्यम उपलब्ध करवाता है तथा पोषण देता है। तो उसके बाद शुक्राणु जो है मूत्र वाहिनी में आ जाते हैं और मूत्र वाहिनी से होते हुए ये आगे शिशन में पहुंचते हैं। तो ये शिशन में आ गए हैं। ये शिशन, शिशन यह नर इंद्री है, इसके आगे एक छिद्र होता है जिसे शिशन छिद्र कहते हैं। शुक्राणु तथा मूत्र का त्याग नर इसी के द्वारा करता है। तो ये यहाँ से ही मूत्र का उत्सर्जन होता है और यहाँ से ही शुक्राणु का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार शिशन के द्वारा ही नर जो है वो शुक्राणु और मूत्र का उत्सर्जन करता है। तो जिस कलर में आपको सर्किल दिखाई दे रहे हैं उसी कलर में ही उसका एक्सप्लेनेशन है। तो आप रेड कलर में देखेंगे तो आपको वृषण दिखाई दे रहा है, उसके बाद ब्लू कलर में देखेंगे तो शुक्र वाहिनी है, ग्रीन कलर में देखेंगे तो शुक्राशय, उसके बाद लाइट ब्लैक कलर के अंदर, कार्बन ब्लैक कलर के अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि दिखाई दे रही है आपको, और लास्ट जो ब्राउनी शेड लिए हुए है वो शिशन। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात करें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। तो ये मादा जनन तंत्र का डायग्राम है आपके सामने। तो मादा जनन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से भाग हैं, उनको हम एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक जोड़ी अंडाशय। तो अंडाशय जो है मादा जनन ग्रंथि है जिसका मुख्य कार्य है अंडाणु का निर्माण करना है, अंडाशय। तो एक जोड़ी अंडाशय जिनका मुख्य कार्य है अंडाणु निर्माण करना है, अंडाणु का निर्माण करना इनका सबसे मुख्य कार्य होता है अंडाशय का। उसके बाद आप देखें ये अंडाशय हो गए जिस पर अभी मैंने प्लस का निशान लगाया है वो अंडाशय हो गए। उसके बाद ये जो नली जुड़ी हुई है, ये वाली नली, ये नली, ये अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका होती है। शुक्राणुओं को जो लेकर जाती है वो शुक्रवाहिनी और जो अंडाणु को लेकर जाती है वो अंडवाहिनी। तो अब सर्किल कर रहा हूँ मैं जिस पर, ये है अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब। तो अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब, तो ये अंडाणु को लेकर जाती है अंडाशय से, अंडाशय से अंडाणु को लेकर जाती है और इसी नलिका में ही अंडाणु से शुक्राणु आकर जुड़ता है। नर का शुक्राणु इसी नलिका के अंदर ही अंडाणु से जुड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडाणु और शुक्राणु का जुड़ना निषेचन कहलाता है। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका अंडवाहिनी में संपन्न होती है। तो अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका, तो अंडाशय से निकलने वाली नली जो गर्भाशय में खुलती है, निषेचन की क्रिया इसी नली में संपन्न होती है। तो अब आप देख सकते हैं ये अंडाशय से निकली है और यहाँ आकर इसका समापन हुआ है इस पॉइंट पर। तो आगे ये गर्भाशय है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर गर्भाशय है। तो अंडवाहिनी जो है या अंड नलिका जो है या फैलोपियन नलिका जो है वो आगे जाकर गर्भाशय में खुलती है। तो अब अगला पार्ट आता है हमारा निषेचन। तो शुक्राणु व अंडाणु के संयोग की क्रिया को निषेचन कहते हैं और निषेचन से ही युग्मनज का निर्माण होता है। अब बात आती है गर्भाशय की। तो गर्भाशय, गर्भाशय जो है निषेचन जब हो जाता है तो निषेचन से युग्मनज कोरक बनता है और वो कोरक जो है आगे जाकर भ्रूण में बदलता है और भ्रूण का पोषण जो है वो गर्भाशय में ही होता है। तो भ्रूण जो है वो गर्भाशय में ही वृद्धि करता है। तो गर्भाशय, युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। भ्रूण जिस संरचना के द्वारा माँ के शरीर से जुड़ा रहता है, मादा के शरीर से जुड़ा रहता है, उस संरचना को हम अपरा या प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भ्रूण किस संरचना के माध्यम से पोषण प्राप्त करता है? तो अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से। तो युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। भ्रूण जिस संरचना के द्वारा माँ के गर्भाशय से जुड़ा होता है उसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं और इसी संरचना के द्वारा ही भ्रूण जो है पोषण, उत्सर्जन और श्वसन जैसी
अनिवार्य क्रिया कर पाता है। उसके बाद चले हम योनि, तो ये योनि दिखाई गई है आपको। योनि मार्ग जो है, शुक्राणु इसी मार्ग से ही मादा के शरीर में एंटर करते हैं। नर के शुक्राणु जो है इसी मार्ग से ही मादा के शरीर में प्रवेश करते हैं, और जब गर्भाशय में भ्रूण विकसित हो जाता है तो भ्रूण के विकसित होने से शिशु बनता है, और शिशु का जब निर्माण होता है तो वो गर्भाशय से बाहर यानी प्रसव, विकसित भ्रूण का यानी शिशु के रूप में भ्रूण का गर्भाशय से बाहर आना प्रसव कहलाता है, और प्रसव का मार्ग भी योनि मार्ग ही है। तो योनि गर्भाशय योनि मार्ग द्वारा बाहर खुलता है। मादा में नर के शुक्राणुओं के प्रवेश तथा प्रसव के समय शिशु के बाहर का पथ योनि मार्ग ही है। तो शिशु के बाहर आने का मार्ग भी यही है और शुक्राणुओं के प्रवेश का मार्ग भी यही है। अब बात करें, हमने बात की कि निषेचन जो है वो फैलोपियन नलिका में अंडवाहिनी में होता है। यदि निषेचन नहीं होता तो क्या होता? हमने पढ़ा निषेचन से युग्मनज बनता है, कोरक बनता है, और वो कोरक जो है वो भ्रूण के रूप में स्थापित होता है गर्भाशय के अंदर, और गर्भाशय जो है उस भ्रूण का पोषण करता है। अब यदि अंडवाहिनी में अंड निषेचन की क्रिया न हो तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो वापिस देखें निषेचन को एक बार। तो ये आप देख रहे हैं मादा जनन तंत्र, और राउंड जिस पर अभी लगाया गया है वहां शुक्राणु और अंडाणु का संयोग दिखाया गया है। तो ये वो डायग्राम है जिसको डिटेल में दिखाया गया है, वो सर्किल के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है वो कंप्लीट डायग्राम आप देख सकते हैं। तो गोलाकार संरचना में आपको अंडाणु दिखाई दे रहा है, और छोटा पूंछ लिए हुआ जो युग्मक है वो शुक्राणु है। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। तो यहाँ शुक्राणु और अंडाणु का संयोग हो रहा है इस पार्ट के अंदर, तो वो डिटेल में आपको यहाँ दिखाया हुआ है। तो शुक्राणु और अंडाणु के संयोग को हम निषेचन कहते हैं, और निषेचित अंड जो होता है वो आगे विकसित होकर युग्मनज कोरक बनता है, और कोरक जो है वो आगे आकर गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, और कोरक का गर्भाशय में स्थापित होना भ्रूण रोपण कहलाता है। अब भ्रूण जो होता है वो गर्भाशय में ही पोषण प्राप्त करता है, विकास करता है। तो गर्भाशय की जो दीवारें हैं वो भ्रूण को एक्सेप्ट करने के लिए प्रत्येक माह अपने आप को तैयार करती हैं। गर्भाशय की जो दीवारें हैं, क्योंकि जब निषेचन होगा तो निषेचित अंड जो है वो आगे युग्मनज कोरक में बनेगा और वो भ्रूण में आएगा, तो गर्भाशय में आएगा। तो गर्भाशय जो है उस भ्रूण को गेन करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए हर माह अपने आप को तैयार करता है। इसकी दीवारें जो होती हैं वो प्रत्येक माह मोटी हो जाती है। लेकिन सपोज कि ये निषेचन की क्रिया न हो, शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्रिया न करें, तो गर्भाशय ने तो अपने आप को तैयार करना ही था, तो गर्भाशय ने अपने आप को तैयार किया। लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ तो वो गर्भाशय की दीवारें वापस टूटना प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि उनका जो मेन काम था वो भ्रूण को गेन करना, भ्रूण को एक्सेप्ट करना, भ्रूण को रोपित करना था अपने में। लेकिन भ्रूण बना ही नहीं, तो जब भ्रूण बना ही नहीं तो भ्रूण की, गर्भाशय की जो दीवारें थी उनका रोल जो था, उनका काम जो था वो समाप्त हो गया। क्योंकि भ्रूण बनता तो वो अपना काम प्रारंभ करती, लेकिन जब भ्रूण बना ही नहीं तो उनका काम रहा ही नहीं, तो फिर वो वापस टूटना प्रारंभ हो जाती है, और रक्त तथा म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलती हैं, जिसे हम मासिक धर्म, रजोधर्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल MC के नाम से जानते हैं। तो यदि अंडवाहिनी में अंड निषेचन की क्रिया न हो तो क्या होगा? तो शुक्राणु व अंडाणु के संयोग को निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड का कोरक युग्मनज के रूप में गर्भाशय में अंत स्थापित होने को भ्रूण रोपण कहते हैं। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण रोपण के लिए अपने आप को तैयार करता है। परंतु यदि अंड निषेचन न हो तो गर्भाशय में भ्रूण रोपण संभव नहीं होगा, जिससे गर्भाशय की दीवारें जो भ्रूण रोपण के लिए तैयार थी टूटनी प्रारंभ हो जाती हैं, और रक्त व म्यूकस के रूप में मादा के शरीर से बाहर निकलती हैं, जिसे मासिक धर्म, रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। अब जब हमने निषेचन रोकना होता है, जनन की क्रिया को रोकना होता है, तब चिकित्सक क्या करता है? तब चिकित्सक जो है वो इस फैलोपियन नलिका को काट देता है।
इस फैलोपियन नलिका को काट देता है अथवा यहाँ गांठ मार देता है। तो ये फैलोपियन नलिका, शुक्राणु फैलोपियन नलिका में जाएंगे तभी निषेचन की क्रिया होगी। तो चिकित्सक ने क्या किया, शुक्राणुओं के मार्ग को ब्लॉक कर दिया। तो शुक्राणु जब फैलोपियन नलिका में पहुंचेंगे ही नहीं तो निषेचन संभव नहीं होगा। इसी प्रकार नर में जब शल्य क्रिया की जाती है जनन क्रिया को रोकने के लिए, तब शुक्रवाहिनी बांध दी जाती है या शुक्रवाहिनी कट कर दी जाती है, जिससे शुक्राणु जो होते हैं उनको मार्ग ही नहीं मिल पाता शुक्राशय तक पहुंचने का। क्योंकि शुक्राणु, हमने पढ़ा कि शुक्राणु जो हैं वो शुक्रवाहिनी के द्वारा ही शुक्राशय में पहुंचते हैं। तो जब शुक्रवाहिनी को ही काट दिया या शुक्रवाहिनी को ही बांध दिया तो शुक्राणु का मार्ग ब्लॉक हो गया, तो शुक्राणु जो हैं वो शिशन मार्ग से बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि शुक्राशय में ही नहीं पहुंचेंगे। शुक्राशय में नहीं पहुंचेंगे तो शिशन मार्ग में ही नहीं पहुंचेंगे। तो शल्य क्रिया के दौरान मादा की अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका और नर की शुक्रवाहिनी को काटा जाता है या उस पर गांठ लगाई जाती है। तो यह था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। यदि आपको टॉपिक समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।